नमस्कार दोस्तों आज 28 मार्च 2024 हजार चौबीस बसप्रियो बस मायावती और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है अगर आप सच्चे अम्बेडकर वादी हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें इस वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें चलिए पहली बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के चलते आजम खान उतरे अखिलेश यादव के ख़िलाफ़ तो क्या बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा आजम खान का बड़ा समर्थन जी हाँ मित्रों आप सभी को पता होगा कि आजम खान जो कि कई आपराधिक मामलों में सीतापुर की जेल में समय बंद हैं आजम खान से हाल ही में अखिलेश यादव ने मुलाकात की है इससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद मुलाकात करते अखिलेश यादव ने बता बुतादे कि आजम खान से मुलाकात कर ली लेकिन अब आपको बता दें कि आजम खान ने सीतापुर जेल से ही एक पत्र आ, लिखते हुए जारी किया है जो कि आपको बता दें कि रामपुर के जिला अध्यक्ष ने बताया कि आजम खान का साफ कहना है कि अगर अखिलेश यादव रामपुर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तब तो वो सपा का समर्थन साथ देंगे समर्थन करेंगे अगर अखिलेश यादव रामपुर से अपना पर्चा नहीं भरते हैं या रामपुर की सीट से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो इसके ख़िलाफ़ आपको बता दें कि सपा के खिलाफ किसी अन्य पार्टी को समर्थन दे सकते हैं चाहे वो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देना पड़े या किसी अन्य पार्टी को बताया जा रहा है कि अगर रामपुर की सीट से अखिलेश यादव से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बहुजन समाज पार्टी को आजम खान का बड़ा समर्थन मिल सकता है और आजम खान जो कि एक बड़े नेता हैं मुस्लिम समाज के नेता हैं रामपुर हो बिजनौर हो नगीना हो तमाम आपको बता दें कि मैनपुरी जैसी सीटों पर आजम खान का दबदबा रहा है अगली बड़ी खबर तो अब लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद असाउद्दीन ओ और स्वामी प्रसाद मौर्य बना रहे हैं तीसरा बड़ा मोर्चा इंडिया गठबंधन को मिलेगी कड़ी चुनौती जी हाँ मित्रों आप सभी को पता होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में सपा से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी बना ली है उनको उम्मीद थी कि शायद इंडिया गठबंधन उन्हें अपने साथ लेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद जो लगातार इंडिया गठबंधन से नगीना लोकसभा सीट मांग रहे थे लेकिन अखिलेश यादव ने नहीं दी और आपको तादें कि चंद्रशेखर आज़ाद को आखिरकार अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना पड़ा इसके अलावा असाउद्दीन ओ बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन असाउद्दीन ओ का भी किसी कारणवश बीएसपी से गठबंधन नहीं हो पाया इन तमाम बातों को अब ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है कि असाउद्दीन ओ और मौर्य संघ चंद्रशेखर आज़ाद की बातचीत हो गई है बहुत जल्द ही चंद्रशेखर आज़ाद असाउद्दीन ओवीसी और स्वामी प्रसाद मौर तीसरे बड़े मोर्चे का जो ऐलान है वो कर सकते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद ने जैसा कि नामांकन भरने के बाद बयान दिया था कि बहुत जल्द ही वो बड़ा ऐलान करेंगे तो वो बड़ा ऐलान क्या कुछ होता है वो बड़ा देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा अगली बड़ी खबर क्या बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी भाजपा ने काट दिया है टिकट जी मित्रों आप सभी को पता ही होगा कि बदायूं से वर्तमान सांसद का भाजपा ने टिकट काट दिया है बदायूं से भाजपा ने दूसरे अन्य चेहरे को उतारा है आपको बता दें कि संगमित्रा मौर्य जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और बदायूं से सांसद थी लेकिन इस बार बीजेपी ने आपको बता दें कि जो संगमित्रा मौर्य हैं उनका टिकट काट दिया है उनकी जगह पर दूसरा प्रत्याशी उतार दिया है हालांकि आपको तादे कि बताया जा रहा है कि संगमित्रा मौर के लिए आपको तादे की बसपा का खास प्लान तैयार है और आपको तादे कि संगमित्रा मौर के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में मिल सकती है इसके अलावा आपको तादे की जो संगमित्रा मौर्य हैं उनका टिकट कटने पर बयान आया है कि वो भाजपा के साथ हैं और जल्द ही वो बदायूं से जो बीजेपी के नए प्रत्याशी हैं उनका चुनावी प्रचार प्रसार करेंगी लेकिन बताया जा रहा है कि बसपा सुप्रियो मायावती को भी इंतजार है अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने बदायूं और मैनपुरी में अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है अगर बीजेपी से जो बागी प्रत्याशी हैं जो आपको बता दें कि बागी नेता हैं वो बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करते हैं चाहे वो संगमित्रा मोर हों या कोई अन्य नेता तो उनको जो बागी नेता हैं उन पर बहन जी विश्वास जता सकती हैं और उनको टिकट दे सकती हैं। शायद यही कारण है कि अभी तक बदायूं और मैनपुरी लोकसभा सीट से बीएसपी ने प्रत्याशी नहीं उतारा है अगली बड़ी खबर पल्लवी पटेल को लेकर बसपा सुप्रियो मायावती ने लिया बड़ा फैसला गठबंधन और आपको बता दें कि टिकट पर बनी बात जी हाँ मित्रों आप सभी को पता होगा कि अपना दल ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया है अब पल्लवी पटेल बसपा से गठबंधन कर सकती है जी हाँ मित्रों आपको पता होगा कि पल्लवी पटेल जो कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी नेता है समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था लेकिन दो के लोकसभा चुनाव में यह गठबंधन नहीं टिक पाया टूट गया बताया जा रहा है कि बसपा सुप्रियो मायावती की पार्टी से गठबंधन करके बसपा सुप्रियो मायावती टिकट देंगी पल्लवी पटेल को बहुजन समाज पार्टी का टिकट पर आपको बता दें कि चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है और पल्लवी पटेल बहुजन समाज पार्टी के चुनावी बैनर तले चुनावी मैदान में उतर सकती हैं ये बड़ी खबर है कि पल्लवी पटेल को बीएसपी एस मायावती गठबंधन करके टिकट दे सकती हैं फिलहाल आपकी क्या राय है आप क्या सोचते हैं कमेंट करें इस वीडियो को जैसे शेयर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें धन्यवाद